हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज महाशिवरात्रि है, हैप्पी महाशिवरात्रि। मैंने सोचा आज मैं भी नई यूट्यूबर हूँ और अभी एक हफ्ता ही आए हुए मुझे, तो और मैंने सोचा कि चलो मैं भी आपको सबको विश कर देती हूँ हैप्पी महाशिवरात्रि। और ये भी बता देती हूँ कि मैं अभी मंदिर गई थी, मंदिर जाके अभी जल वल चढ़ा के आई हूँ। और हम लोग बेर चढ़ाते हैं, बेर भी शुभ होते हैं और फल वल चढ़ाते हैं। आने के बाद फिर मेरी इच्छा हुई कि चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी, मैं क्या इसमें शिवरात्रि में क्या बनाती हूँ, क्या खाती हूँ, आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो हम लोग जो है मखाने होते हैं, उनको फ्राई कर लेते हैं देसी घी में। देसी घी में फ्राई करने के बाद और उसके बाद उसमें काजू, बादाम, किशमिश, मुनक्खा ये सब डाल के, और उसको जो है देसी घी में फ्राई करके और थोड़ा सेंधा नमक डाल के खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और इसके चौलाई के लड्डू तो बहुत कोई बनाता भी है, वो भी कोई दूध में भिगो के खाता है, ये सब तो सब जानते ही हैं। और उसके बाद मैं शाम को क्या करती हूँ, आलू उबालती हूँ। मैं एक ही टाइम नमक खाती हूँ, आलू उबालती हूँ। आलू उबालने के बाद उसमें थोड़ा हरी मिर्च, नमक, सेंधा नमक, और फिर उसके बाद काली मिर्च, गरम मसाला ये सब डाल के मैं देसी घी में जीरा डाल के छोंक देती हूँ। और उसके बाद फिर उसको चाय के साथ खाती हूँ, कभी चाय के साथ खाती हूँ, कभी दही डाल के खाती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं और मखाने भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी वैसे भी कोई आता है तो उसको भी आप दे सकते हैं, उसको फ्राई कर लीजिए, काजू, बादाम, किशमिश ये सब डाल के उसको खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कभी काजू, बादाम, किशमिश भी नहीं डालना है तो मत डालिए, खाली मखाने फ्राई करिए। फ्राई करके और उसके बाद उसमें नमक वमक डाल के, जैसे कि जब हमारा व्रत नहीं होता तब तो वैसा नमक भी डाल सकते हो, लेकिन जिस दिन व्रत है, जैसे आज सोमवार है उसका व्रत है, तो थोड़ा सेंधा नमक डाल के और खा लीजिए। और काजू, बादाम, किशमिश डाल के भी खाते हैं तो वो भी टेस्टी लगता है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा बताइएगा, लाइक करिएगा। हैप्पी महाशिवरात्रि। ओके, थैंक यू।